गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर लर्निंग इजी साइंस क्लासेस। सो जो कल हमने डिस्कस किया था, हमने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन से स्टेप्स थे वो लिए थे। तो आज हम बात करते हैं अपना स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि जो हमारा फूड है, फूड ग्रेन्स हैं हमारे, जितनी भी हमारी फसल हैं, वो उनका हम स्टोरेज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो क्रॉप्स आर सीजनल। जैसा आप सबको पता है, जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं वो सीजन बाई सीजन आते हैं। टू प्रोवाइड द फूड ग्रेन थ्रू आउट द ईयर एंड एट एवरी प्लेस इन आर कंट्री, दीज आर कैप्ट इन स्टोरेज। तो पूरी साल भर के लिए ये जो फूड ग्रेन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे कंट्रीज़ में जितने भी प्लेसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, वहाँ पर पहुँचाने के लिए, ठीक है, और ज़रूरत के लिए, और क्या करना पड़ता है, आपको इनका स्टोरेज करना पड़ता है। ठीक है, हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स कंटेन मोर मॉइस्चर। जितने भी हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं, हार्वेस्टेड क्रॉप्स कौन सी होते हैं, जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उनके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, नमी ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। मॉइस्चर क्या करता है कि बैक्टीरिया और फंजाई और मोल्ड्स की ग्रोथ करवा देता है। अब जब इनकी वो ग्रोथ करवा देगा, तो जो हमारी फूड ग्रेन्स होंगे, जितने भी हमारा अनाज होगा, वो सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर द फूड ग्रेन शुड बी ड्राइड बिफोर स्टोरेज। तो स्टोर करने से पहले हमको उसको क्या करना पड़ेगा, ड्राइड, सुखाना पड़ेगा। सुखाएंगे क्यों, जिसके थ्रू वहाँ से क्या निकल जाए, जितनी भी नमी है वो सब निकल जाए। तो बिफोर द फूड ग्रेन्स आर स्टोर, दे आर ड्राइड इन द सन टू रिमूव द एक्सेस मॉइस्चर। तो वो कहाँ पे सुखाए जाते हैं, सन के डायरेक्टली बाहर सुखा दिए जाते हैं, छत पे सुखा दिए जाते हैं, ग्राउंड में सुखा दिए जाते हैं, फील्ड में। तो वो सन क्या करता है, जितना भी नमी होती है, सूरज की जो किरणें जब पड़ती हैं हमारे फूड ग्रेन्स पे, तो जितना भी हमारा मॉइस्चर होता है वो सब क्या हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, अगर मैं डोमेस्टिक लेवल की बात करूं, तो डोमेस्टिक लेवल जैसे घर की बात करता हूं, द ड्राइड फूड ग्रेन्स देन स्टोर्ड इन अ सूटेबल स्टोरेज। तो डोमेस्टिक घर की बात करता हूं, तो घर में आपने देखा होगा कि वो बने होते हैं, टिन के कंटेनर्स बने होते हैं, ठीक है, अनाज के कंटेनर्स बने होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, अनाज को। जैसे तुम्हारे घर में भी अनाज के कंटेनर होंगे, बड़े बड़े पीपा होंगे, ठीक है, और सिलेंड्रिकल शेप्स के होंगे। तो उसमें क्या करते हैं, हम जैसे मान लो अगर कुछ फूड ग्रेन्स है, अगर मॉइस्चर रह जाए, तो क्या करते हैं, नीम की पत्तियां डाल देते हैं, ठीक है, फूड ग्रेन्स के अंदर, और उस कंटेनर के अंदर। तो वो जो नीम की पत्तियां, वो क्या करेंगी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होने देंगी। ठीक है, ये तो घर के लेवल की बात है। अगर मैं कमर्शियल स्केल की बात करूँ, बड़े पैमाने पर बात करूँ, तो जो ये फूड ग्रेन्स होते हैं वो गनी बैग्स में पैक्ड करते हैं। गनी बैग्स क्या होते हैं, जो बोरियां देखी होंगी, अनाज की बोरियां आती हैं तुम्हारी, कैसे कलर की, जो ब्राउन कलर की, उनको बोलते हैं गनी बैग्स। और ग्रेन सिलोस क्या होते हैं, ग्रेन सिलोस बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज जिनको हम बोलते हैं, जो स्टोरेज होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, तो जगह जगह पर आपने देखे होंगे कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, जहाँ पर आलू की फसलें रखी हैं, आलू रखे हैं, टमाटर रखे हैं। ऐसे ही आपके जो ग्रेन्स रखे जाते हैं वहाँ पर, उनको क्या होते हैं, ग्रेन सिलोस, ग्रेन मतलब अनाज। तो गनी बैग्स क्या होते हैं, गनी बैग्स आपके बोरे होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हम फूड ग्रेन्स को हम डालते हैं, लार्ज स्टैक्स बनाते हैं, जो गोडाउन के अंदर हम ले जाते हैं गनी बैग्स को, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें कि हम बीच बीच में हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये गनी बैग्स आपने फिल कर दिया आपके ग्रेन से, तो देखने जाते हैं कहीं चूहे ने कुतर तो नहीं दिए, कहीं इसमें फंजीसाइड्स तो नहीं लग गया, कहीं इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ तो नहीं हो गई। तो ये हम डेली डेली इंस्पेक्शन करने जाते हैं। और क्या होता है इसमें गनी बैग्स के अंदर, गनी बैग्स का तो इतना ही यूज है। फिर उसके बाद अगर तुम्हारा देखो, जैसे ये फिगर दे रखा है, स्टोरेज इन ओपन यूजिंग गनी बैग्स, तो स्टैक बना दिए ना, एक के ऊपर एक बना दिया, फिर ऊपर क्या रख दिया, प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया है। अब ग्रेन सिलोज क्या होते हैं, ग्रेन सिलो स्पेशली डिज़ाइंड होती हैं, जो टॉल सिलेंड्रिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, इनके अंदर हम डिफरेंट स्टॉक्स रखते हैं अपने फूड ग्रेन्स का।
तो ये जो सिलोज होती हैं ये कंपनी जैसे बिहेव करती हैं, लाइक अ कंपनी, जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है। तो ग्रेन सिलोज में क्या होता है, बड़े बड़े पैमाने पे हम क्या रखते हैं, अपने जितना भी अनाज है उनको स्टोर करके रखते हैं। अब कोल्ड स्टोरेज में क्या क्या रखते हैं, देखो पेरिशेबल फूड किसको बोलते हैं, पेरिशेबल फूड बोलते हैं जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो जो पेरिशेबल फूड है उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, लाइफ कम होने का मतलब ये है कि वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम कहाँ रखते हैं, लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे हम रखते हैं। क्यों रखते हैं लो टेम्परेचर पे, क्योंकि जो लो टेम्परेचर होता है वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत कम होती है। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होगी, यीस्ट की ग्रोथ कम होगी, मोल्ड की ग्रोथ कम होगी, तो वहाँ पे फसल ख़राब ही नहीं होगी। इसीलिए हम कहाँ रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में। और जो कोल्ड स्टोरेज होता है वो आपके फूड को लंबे समय तक भी सुरक्षित रख के रखता है। जैसे अगर मैं होम की बात करता हूँ तो होम घरों में के अंदर रेफ्रिजरेटर होता है, तो जितना भी खाना होता है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर जाता है। अगर मैं कॉमर्शियल स्केल की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है, डीप फ्रीज़र, बड़े बड़े फ्रीज़र होते हैं, डीप फ्रीज़र होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होती है, वहाँ पे लो टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सबको फूड आइटम्स को रखते हैं। तो ये था आपका कोल्ड स्टोरेज हुआ, गनी बैग्स हुआ, गनी सिलोज हुआ, ठीक है। अब बात आती है बफर स्टॉक की। बफर स्टॉक्स क्या होते हैं, देखो जैसे हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट है, आपको सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर है, जो खेती बाड़ी है, वो ज़्यादातर हमारे बारिश पे डिपेंड होती है। अगर बारिश ज़्यादा हुई है तो बहुत अच्छी फसल होती है, बारिश कम हुई है तो कहीं तो सूखा पड़ जाता है, कहीं जो पैदावार है वो बहुत घटिया क्वालिटी की होती है, बेकार होती है। तो जो फूड का जो स्टोरेज है वो गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर से खरीद लेती है और अपने अपने बफर स्टॉक्स बना के रखती है, ठीक है। तो हर साल अगर कहीं पे बारिश कम हुई है तो वहाँ पे फसल नहीं होगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ पे उस बफर स्टॉक से फूड प्रोवाइड कराएगी उस एरिया में। तो उसको क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्रॉप्स आर सीजनल, द क्रॉप यील्ड डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर, जो क्रॉप फसल की पैदावार है वो बहुत कारणों पे डिपेंड होती है, जैसे रेन पर। तो अगर रेन अच्छी हुई है तो फिर बम्पर क्रॉप होगी, रेन अच्छी, मानसून अच्छा नहीं आया है तो बहुत जगह सूखा पड़ जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन की क्वालिटी बहुत बेकार हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टू इंश्योर द फूड ग्रेन्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जितना भी फूड ग्रेन्स है उसको अवेलेबल कराना है अपने पीपल्स को, एवरी हर प्लेस पे अपनी कंट्री में। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे कि जितना भी फूड ग्रेन्स है वो हम फार्मर से खरीद कर क्या बना लेंगे, बफर स्टॉक्स बना लेंगे, ठीक है, क्या बना लेंगे, बफर स्टॉक्स। तो आर कंट्री हैज़ अ वेरी फेवरेबल बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, तो हमारी कंट्री के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, बहुत सारे बफर स्टॉक्स हैं जहां पर हम फूड ग्रेन्स को क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। सच अ बफर स्टॉक ऑल्सो हैव टू मेंटेन द प्राइस लाइन ऑफ फूड ग्रेन इन द ओपन मार्केट, तो और ये इससे किसानों को भी फ़ायदा होता है, ठीक है, किसान डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपना जो माल है वो दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ही फायदा है। और क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो आपको इजीली प्रोवाइड करा रही है फूड को, जहाँ पे ड्रॉ सूखा पड़ गया, जहाँ पे बहुत कमी है फूड की, तो ये सब क्या है, फूड स्टॉक्स, बफर स्टॉक्स हम जिसको बोलते हैं। ये कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं, ओरल क्वेश्चंस क्या है, अपने आप करने हैं आपको, ठीक है, ये ओरल क्वेश्चन अपने आप करने हैं। अब बात करते हैं फूड फ्रॉम एनिमल सोर्स, यानी कि हमें कौन कौन से फूड एनिमल से मिलते हैं। फर्स्ट आता है आपका डेयरिंग, यानी कि पशुपालन, ठीक है, पशुपालन। तो देखो एक बात आती है मिल्चिंग एनिमल, अगर आपसे कोई पूछा मिल्चिंग एनिमल्स कौन से एनिमल होते हैं, तो वो सारे एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनको हम मिल्चिंग एनिमल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बफेलो हुआ, का हुआ, इनको हम क्या बोलेंगे, मिल्चिंग एनिमल। अब बात करते हैं डेयरिंग की, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड, तो जैसा तुम्हें पता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो मेजर सोर्स मतलब स्रोत हैं हमारे फूड के। मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड मटेरियल फॉर अस, तो जो हमारा दूध है वो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, क्यों, क्योंकि अब हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, विटामिन जितना भी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह। तो हमें दूध कहाँ से मिलता है, काव से, बफेलो से, गॉट से, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को हम डेयरिंग बोलते हैं, यानी कि पशुपालन, इनको पालना, रियरिंग कैटल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर हम पशुओं को पाल रहे हैं। क्यों पाल रहे हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग द मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट बनाने में,
इसको बोलते हैं हम डेयरिंग। कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं, मिल्क हुआ, कर्ड हुआ, चीज़, बटर, घी, खोआ, आइसक्रीम, कुल्फी, इनको बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। अगली बात आती है आपकी पोल्ट्री। पोल्ट्री इंक्लूड बर्ड्स, जहाँ पे हम बर्ड्स का पालन करते हैं, चिकन हुआ, हैन हुआ, डक्स हुआ, गीज हुआ, टर्की हुआ, इन सबको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं। ठीक है, इन सबको हम बोलते हैं फॉल्स। तो दीज बर्ड्स आर गुड सोर्स ऑफ एनिमल फूड इन द फॉर्म ऑफ एग। तो ये सारी जो बर्ड्स होती हैं वो एक सोर्स हैं एनिमल फूड का। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या देती हैं, अंडे देती हैं, अंडे और मीट देती हैं, और अंडे और मीट में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इनको पालना और इनकी ब्रीडिंग, तो ये क्या कहलाती है, हमारी पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, रेयरिंग ऑफ ए दीज चिकन हुआ, हैन हुआ, डक्स हुआ, इनको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। और ये कहाँ पे रहते हैं, उन प्लेस को हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म्स, फार्म्स बने होते हैं। ठीक है, अब देखो फॉल की हम बात करते हैं। फॉल क्या, अंडे देती है, अपने अंडों पे बैठी रहती है 21 दिन तक। उस पीरियड को बोलते हैं हैचिंग पीरियड। आफ्टर दिस पीरियड क्या होता है कि वो जो एग होता है, अंडा होता है, वो टूटना चालू हो जाता है। ठीक है, उसमें से क्या निकलता है, चिक बाहर निकलता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल हैचिंग। क्या बोलते हैं, नेचुरल हैचिंग। तो जो पोल्ट्री होती है, क्या होती है, जो पोल्ट्री होती है, जो फार्म्स होते हैं, वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर अच्छा प्रोवाइड कराते हैं एग्स को, क्योंकि उनका जो हैचिंग पीरियड है वो अच्छा जाए, अच्छे तंदुरुस्त जितने भी एग्स हैं वो प्रोड्यूस हों। तो ये जो हैचिंग है पोल्ट्री फार्म्स में, वो कहाँ कौन प्रोवाइड कराता है, इनक्यूबेटर्स के अंदर। इनक्यूबेटर्स में क्या होता है, टेम्परेचर और मॉइस्चर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई किसी ने अंडे दिए, किसी फॉल ने अंडे दिए, तो वो अंडा तभी आपका क्रैक होगा जब उसके ऊपर वो जो फॉल है वो बैठेगी 21 दिन तक। मान लो फॉल नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस अंडे को कहाँ रख देंगे, इनक्यूबेटर में। इनक्यूबेटर क्या प्रोवाइड करेगा, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कराएगा, वही टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, फिर उसके 21 दिन बाद वो अंडा टूट जाएगा, उससे चिकन बाहर आ जाएगी। ठीक है, पोल्ट्री केयर कैसे हम देखभाल करते हैं, गुड शेल्टर हो, ठीक है, गुड केयर हो, उसकी अच्छी देखभाल करें, डिसीज़ कंट्रोल हो, मतलब जितनी भी डिसीज़ हो रही हैं वो ना फैलें, समय समय पर छिड़काव होना चाहिए मच्छर वच्छर का। ठीक है, ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड चिकन्स रिक्वायर, चिकन को रिक्वायर क्या, किसकी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हो। ठीक है, और वो अपना जो लेइंग पीरियड है, लेइंग पीरियड का मतलब होता क्या है कि जब वो अंडे देने वाले होते हैं तो क्या क्या चाहिए, इनफ स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, सफिशिएंट पानी मिलना चाहिए उनको। ठीक है, और उनको क्या खिलाना चाहिए, प्रोटीन, फैट, विटामिन ए, के, ये सब खिलाना चाहिए। तो ये उनका केयर करना। फिर बात आती है फिशरीज़ की। तो फिश, अब जैसे आप सबको पता है एक्वेटिक एनिमल है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उन सब में प्रोटीन और आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो लोग कोस्टल एरियाज़ के सहारे रहते हैं, जो कोस्टल एरियाज है, जितने भी मुंबई हुआ, ठीक है, अहमदाबाद हुआ, गुजरात है, ये सब, ठीक है, अंडमान निकोबार, यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, फ़िश और सी फूड ही खाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिसीकल्चर। जैसे हम डेयरिंग बोलते हैं आपके कहाँ, किसको बोलते हैं डेयरिंग, पशुपालन को। ठीक है, ऐसे मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं, फिशी कल्चर। मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछलियों का पालन। ठीक है, लार्ज स्केल पर स्पेशल पॉन्ड्स आर ऑल्सो डेवलप्ड एज हैचरी। तो कुछ स्पेशल पोखर बना दिए जाती हैं, उनको हम आर्टिफिशियल्स बोलते हैं, आर्टिफिशियल हैचरीज। क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल हैचरी, जहाँ पे हम सफिशिएंट लाइट और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं अपनी मछलियों को। ठीक है, और वहाँ पे फिर मछलियाँ पलती हैं। द हैचरीज विद सर्कुलेटिंग वाटर बॉर्न लेक एंड कैनाल आर कॉल्ड नेचुरल हैचरीज। ये सब बताया मैंने। द यूज़ ऑफ नेचुरल हैचरीज हैज इम्प्रूव्ड द सर्वाइवल रेट फ्रॉम। ठीक है, अब बात आती है द यूज़ ऑफ नेचुरल हैचरी हैज इम्प्रूव द सर्वाइवल। अगर हम हैचरी, जितनी भी आपकी हैचरीज हैं, जितनी भी आपके पिसीकल्चर हैं, जितने भी आपके पॉट्स और तालाब हैं, उनको हम अगर अच्छे से देखभाल करेंगे, ठीक है, उसमें काई नहीं जमने देंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देंगे, तो जो रेट है ना फिश का, वो 95% तक वहाँ पर सर्वाइव रह सकती है, यानी कि जिंदा रह सकते हैं। मान लो गंदगी जगह कौन रहना चाहता है, जहाँ पे गंदगी है वहाँ कोई नहीं रहना चाहता। तो इसीलिए हमें समय समय पे क्या, साफ़ सफाई कर देनी चाहिए। साफ़ सफाई करेंगे तभी जो फिश हैं वो 95% तक जिंदा रह सकते हैं, अगर उनको प्रोवाइड ऑक्सीजन अच्छे से मिले, डाइट मिले। अ
अच्छा, जो सी वाटर में फिश रहती हैं उनको बोलते हैं मैराइन फिश। दीज आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज। ये कहाँ पाई जाती हैं? केरल हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, मुंबई हुआ, ठीक है। द फिश विच ब्रीड इन वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड। जो फिश कहाँ पे आपकी पॉन्ड्स में रहती हैं, रिवर्स में रहती हैं, छोटे छोटे तालाबों में, नदियों में रहती हैं, पोखरों में रहती हैं, उनको बोलते हैं फ्रेश वाटर फिश। क्या बोलते हैं उनको? फ्रेश वाटर फिश। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फिश फार्म इन गुड हेल्थी स्टेट। तो अगर हमको एक अच्छे सा मत्स्य पालन, अच्छे से फार्म चलाना है तो रेगुलर हमें चेक करना पड़ेगा कि कितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन पॉन्ड के अंदर है, पीएच चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सारी जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं सब लेने पड़ेंगे, कहीं डिसीज़ तो नहीं हो रही है, कहीं गंदगी तो नहीं हो गई है तालाबों के अंदर, तो ये सब हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये था आपका पिशिकल्चर। अब बात आती है एपिकल्चर। एपिकल्चर क्या होता है कि मधुमक्खियों का पालन, ठीक है। अब बड़े स्केल पे अगर मधुमक्खियों का पालन करते हैं तो उसको बोलते हैं एपिकल्चर। अब मधुमक्खियों का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें शहद प्रोवाइड कराता है, और शहद के अंदर क्या होता है? सुगर्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। अब हनी कैसे प्रोड्यूस होता है, शहद कैसे बनता है? ये हम फ्लावर से जितना भी आपका नेक्टर है वो सब मधुमक्खियाँ खींच कर लेकर आती हैं, फिर छत्ता बनाती हैं, उसके अंदर वो उनको रखती हैं, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अंडे से लेकर, लार्वा से लेकर, प्यूपा से लेकर, ये मधुमक्खियों की स्टेज है 16 दिन की। चार स्टेज होती है। सबसे पहले एग, 3 दिन बाद लार्वा बनता है, फिर 6 दिन बाद प्यूपा बनता है, उसके बाद 7 दिन बाद क्या बनती है? हनी भी मधुमक्खी बनती है। तो ये क्या कहलाते हैं, जितने भी मधुमक्खी को पालते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एपीकल्चर। अब हनी एक्सट्रैक्टर किसको बोलते हैं? हनी एक्सट्रैक्टर उन लोगों को बोलते हैं जो कि छत्तों में से क्या निकालते हैं? हनी को निकालते हैं, शहद को निकालते हैं, उनको बोलते हैं हनी एक्सट्रैक्टर। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया हो। इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप पीछे से फिल कर सकते हो, बुक के पीछे सॉल्यूशंस दिए गए हैं। और चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हमने स्टार्टिंग में करा दिए थे अप्रैल और मई में, ठीक है। अब जो ओरल क्वेश्चन है ना वो आप क्लास वर्क में कर सकते हो। ओरल क्वेश्चन, जितने भी ओरल क्वेश्चन है वो आपको क्या करने, क्लास वर्क में करने। जैसे ये दो डेयरी एनिमल के नाम बताइए, ठीक है, कितने डेज लगते हैं? पोल्ट्री बर्ड सेट्स ऑन द एग 21 दिन लगते हैं, ठीक है। नेम द न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी, फूड प्रोवाइड, कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है फिश और सी फूड। तो ये सब आप देख लेना, जितने भी ओरल क्वेश्चन है, जो ना समझ में आए उसको क्या करना है, कमेंट करना है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर समझ में आया हो। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो पूरी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको ही फ़ायदा है, आपको ही पता चलेगा कि कब वीडियो आ चुकी है। जब वीडियो आ जाएगी तब आप देख लेना उसको। तो जितना जल्दी आप वीडियो को देखोगे उतना ही जल्दी आपके सिलेबस ख़त्म होगा, एग्ज़ाम होंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। हम अब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे कल से, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ठीक है। तो बस थैंक यू।